गाइस आज का मौसम क्या ही बोलू यार, आज का मौसम अलग ही टाइप का, अलग ही किस्म का है। यानी मतलब सुबह को धूप दे रहा था थोड़ा बीच में बारिश आ गया। कम ऐसे बारिश है ना, मतलब अभी रुकेगी नहीं 2-3 दिन के लिए। तो थोड़ा देर में बस 10 मिनट के बाद फिर से धूप आ गया, मतलब ऐसा कुछ से बारिश दे रहा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ पथा तरफ तो गोरू को लाने के लिए। ओके ऐसा हो गया ना मेरा साथ, तो ये ब्लॉग बनाने का कोई इरादा नहीं था मेरा। अभी आपका तो 4:30 हो चुका है। ओके तो ऐसे में टाइम में कौन ब्लॉग बनाएगा ना। तो गाइस सडनली मेरे को ना एक कॉल आया एक अननोन नंबर से। मैं सोचा रिसीव करूँ या ना करूँ, उतना रिसीव कर दिया। तो भाई सीधा बोले, भाई आप राम राय हो क्या? बोले हाँ भाई मैं राम राय, आपका एक पार्सल आया है तो ऐसा ऐसा साउंड बॉक्स आया, पैसा कुछ ऐसा आया है, तो आप कहाँ पे लोगे वो ऑर्डर? बोला अरे भाई मैंने तो ऑर्डर भी नहीं किया है। तो किसी पास ला गया? बोला ना अब भैया अब ये आपका पेटीएम तरफ से आया है, ऐसा आया है। बोला पेटीएम तरफ क्या, ऐसा कब से होने लगा यार? पेटीएम कब से ऐसे लोगों को फ्री में ऑफर देने लगा? तो साउंड बॉक्स आया, साउंड बॉक्स मेरा घर में खुद ही है साउंड बॉक्स, तो कैसे? तो गाइस पेटीएम इतना बुरबक कहाँ से हो गया? मैंने सोचा मैंने भी चला तो वीडियो बना लिया, रिकॉर्ड किया हूँ, आप लोग खुद ही सुनिए। गाइस यार बोल मुझसे बहुत एक बड़ी गलती हो गया यार। तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था ना, पर उसका साउंड ही सुनाई नहीं दिया। जो मेरा रिकॉर्डर होता है स्क्रीन रिकॉर्डर जो मोबाइल का, उसका माइक्रोफोन क्या ऑप्शन होता है एक, ओके वो ऑन करने के लिए भूल गया यार। तो गाइस आप लोग देखना है ये खास, ये कुछ ऐसा व्लॉग टाइप का तो व्लॉग नहीं है, तब भी आप लोग को एक जानकारी, एकदम ये जानकारी ना गाइस, जो स्कैमर लोग होता है जो ऐसा जो गाइस लिटरली देखो गाइस, उसने मेरे को OTP भेजा और बोलता है डिलीवरी OTP है, बोलता है भोजपुरी के। मैंने अभी तक पिका भी नहीं किया, माल ही नहीं लिया ना, रिसीव ही नहीं किया हूँ, तो डिलीवरी OTP दे दूंगा क्या उसको भोजपुरी के कुछ भी? तो गाइस ऐसा ऐसा स्कैमर लोग होता है, कभी अननोन नंबर आने से कभी विश्वास मत करना। और आप जो ऑर्डर करते हो, आपका लोकेशन देखे ऑर्डर करते हो, वो पूछ रहा है कि आपका लोकेशन भेजिए, तो आपका OTP आ गया अगैरह वगैरह कुछ भी। और वो क्या कहाँ का रोईपुर ना किधर का बोल रहा है यार, इतना दूर का डिलीवरी करने थोड़ी यहाँ पे आएगा ना। तो ऐसा पेटीएम वगैरह वगैरह मैंने पढ़ लेना, मैसेज पढ़ लेना यार, ऐसा में बहुत सावधान होना चाहिए, ऐसा ऐसा लोग होता है। ओके तो गाइस वो सब्सक्राइब, मैं अनपढ़ हूँ, वहाँ पे साफ साफ लिख रहा है कि जो OTP आया था ना, साफ साफ आप लोग खुद ही एक बार पोस्ट करके देखिए, नहीं तो स्क्रीन में दे रहा हूँ ये देखिए, साफ साफ लिख रहा है ऐसे ऐसे लोग रहे थे। ओके तो गाइस वहाँ पे साफ साफ लिखा है पेटीएम ना कभी भी ऐसे, और गाइस पेटीएम ना कभी भी कॉल नहीं करता है OTP के लिए, आप लोग OTP देने से कभी भी ऐसे मत देना, मतलब सब लिखा है कि पेटीएम कभी भी OTP के लिए कॉल नहीं करता है। ओके तो लिख चुका है वहाँ पे, तो OTP नंबर देने से आपका पूरा पेटीएम एक्सेस कर लेते, मेरा एकदम ख़त्म हो जाता था। तो गाइस तो लेकिन आप लोग ना OTP होता है हर चीज़ ना, चीज़ में तो थोड़ा सा कुछ स्टेप वेरिफिकेशन के लिए भी एक OTP जाता है ना, वो तो मामूली OTP, लेकिन पढ़ना पड़ता है, पढ़ना ज़रूरी है OTP के लिए। ओके तो गाइस यहाँ पे तो साफ साफ लिख चुका है पेटीएम यार। वीडियो थोड़ा भी आप लोग को ऐसा जानकारी मालूम नहीं था, तो जानकारी मिला तो प्लीज़ लाइक कर दो और कमेंट भी करो, वीडियो को शेयर भी कर दो, ऐसा ऐसा भी होते हैं। ओके अनजान शख्स जो अननोन नंबर से फ़ोन किया था, तो एक गोरू लेने के लिए भूल गया यार वीडियो। तो गाइस तो सतर्क रहो, मैं बस इतना ही बात बोलना चाहता हूँ, तो ऐसा चीज़ में कभी भी ना मत, तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।